7 नवंबर 1888 को भारतीय भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ। सर रमन को संगीत का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अपने शोध की शुरुआत भी वीणा, वायलन, मृदंगम और तबला में की और 1918 में संगीत वाद्ययंत्रों के तारों के जटिल कंपन की व्याख्या की। कोलकाता विश्वविद्यालय में काम करते हुए उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। सर सीवी रमन ने अल्ट्रासोनिक और हाइपरिक आवृत्तियों की ध्वनिक तरंगों द्वारा प्रकाश के विवर्तन पर जांच की। 1948 में अपना शोध संस्थान रमन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च बेंगलोर में स्थापित किया। उन्होंने क्रिस्टल के स्पेक्ट्रोस्कोपिक व्यवहार का अध्ययन किया। सर सीवी रमन ने भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना को प्रायोजित किया और उसके अध्यक्ष रहे। उन्हें 1924 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया था। रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1954 में सर सीवी रमन को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।